हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक साथ में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मीशो पे नए सेलर हैं, सप्लायर हैं, कुछ चीज़ें आप सेल करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है नए लोगों को कि कुछ भी अगर अपलोड करते हैं, कैटलॉग वगैरह, जैसे कोई चीज़ बेच रहे हैं उसका फ़ोटो, तो वहाँ पर जैसे अपलोड करते हैं तो QC एरर आता है। लाल कलर का एक जो है कि आइकन आता है और कई लोग तो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट अपलोड किया है और आप में भी QC एरर आ रहा है, तो ये समझ लेना कि आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइव नहीं हुआ है, यानी आपके ग्राहकों को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको उसी में जाके आपको फिर से कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए। जो भी मीशो के जो है कि कस्टमर केयर होते हैं, वो जो है कि दिन में ही आपसे बात करते हैं, क्योंकि 24 घंटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आपको दिन में ही बात करनी पड़ेगी, 8 से लेके 6 के बीच में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर QC एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट फ़ोटो खींचा और उसका 2 MB से ज़्यादा है तो भी QC एरर आता है। और हो सकता है जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका जो कैटेगरी है या फिर वेट या हाइट, जो भी डिटेल है उसकी, आपने कुछ उसमें गड़बड़ की है, या फिर कैटेगरी जो है, जो प्रोडक्ट आपका है वो कैटेगरी आपने गलत चुन लिया है। अगर ये सब चीज़ें आपने एक भी गड़बड़ कर दिया तब वहाँ पे QC एरर आ जाता है। तो ये सब आपको जब भी आप अपलोड करो प्रोडक्ट डिटेल फ़ोटो, तब आपका QC एरर नहीं आएगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि नए लोगों में कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कंप्यूटर के मास्टर हों, वो आता ही है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ शुरू में किसी को मालूम नहीं रहता। जैसे हम YouTube पे ही आते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो शुरू में हर चीज़ तो मालूम नहीं रहती, धीरे धीरे ही आदमी सीखता है। तो नए लोग जो रहते हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ही, इसकी वजह से QC एरर आता है। लेकिन आपको छोड़ के भाग नहीं जाना है, लगातार बने रहना है उस पर, ठीक है। कस्टमर केयर से बात करती रहनी चाहिए, और उसके बाद जब भी वो बताएंगे उसको फॉलो करो और उस QC एरर को ठीक करो। सही सही फ़ोटो अपलोड करो, MB कम करके, प्रोडक्ट डिटेल सही से भरो, कैटेगरी सही चुनो, और उसके बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा तो आपका कैटलॉग अपलोड हो जाएगा, और फिर आपकी जो भी फ़ोटो थी प्रोडक्ट की वो लाइव हो जाएगी और आपको ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि QC एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने सही से डिटेल या प्रोडक्ट की फ़ोटो नहीं डाली।